हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। और आगे हम एक नए व्लॉग के साथ। जी हाँ, तो नया व्लॉग करते हैं हम अपना आज कंटिन्यू। और आज व्लॉग हमारा बड़ा ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त होने वाला है। और वो इसलिए ज़बरदस्त होने वाला है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे रोज़े शुरू हो गए, तो आज हमारा फर्स्ट रोज़ा। और मैं तो रख नहीं सकती थी, आपको पता मेरी तबीयत ऐसी है, पर सलमान ने रोज़ा रखा है। मैंने कहा पर सलमान ने रोज़ा रखा है। हाँ, मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और बस अभी कर रहे हैं तैयारी। तो बज रहे हैं 4:30 होने वाले, मेरे पास टाइम बहुत कम है। और एक चूल्हा है खराब, एक सही है, उस पर मैंने बनाना है बहुत कुछ बनाना है। और यहाँ पे हो रही है सारी तैयारी, और जो हमने मतलब अफ्तारी में मतलब रोज़ा खोलने में वो बनाना है। और यहाँ पे मैं सारा सामान लेके आ गया हूँ, बेसन वेसन। और मैविश कुछ जो है पकौड़े निकालेगी, मतलब कुछ सामान घर पे बनाऊंगी। सही है, और कुछ सामान मैंने कुछ बाहर से मंगवाया है वो लेके आएंगे, तो वो भी लेके आएंगे, वो भी आपके साथ करेंगे शेयर। और आज खाने में मैविश बना रही है वैसे आलू पालक। तो मैं कह रही जब तक आलू पालक को रख देती हूँ है, बनती रहेगी। मैं सामान ये है जी पालक, और चूल्हा रेडी हो गया। ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि आपको पता पालक में बहुत सारी मिट्टी होती है। और पहले रखनी है आलू पालक, उसके बाद साथ साथ सारा काम जो है वो भी ही करना है। ये पहले इसलिए रखनी है क्योंकि पालक बनती रहेगी, और मैं साथ में पकौड़ों का सामान तैयार करूंगी और आपसे करूंगी शेयर। और दुआ गई हुई है ट्यूशन, और एक बंदा अंदर सो रहा है उससे भी। हाँ ना, दुआ ट्यूशन गई हुई है। और ये यहाँ पे मैं, और यहाँ पे ये सो रहा है, नहाया था और सो गया है। कैसा गुस्से में आता है। और रात को हम लोगों ने पंखा चलाया तेज करके, और एलेंस को जो है ना नजला हो गया। ये ऊपर लेता नहीं ना कुछ भी नहीं लेता, ये ऊपर लेता नहीं है ना कुछ, इसलिए इसको हो गया नजला। चले जी, आज का व्लॉग बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और यहाँ पे और चिड़ियों ने देखो ये पट्टी चिड़ियों ने उतार दी है। तो मैं कहती है ये मार मार के इन लोगों ने यहाँ पे चूचे अपनी सारी, और ये पट्टी इन लोगों ने निकाल दी। अभी मैं इसको लेके आऊंगा, वो समझ बॉन्ड फिर इससे लगाएंगे, क्योंकि मैं और ये देखो नहीं ना। और इन लोगों ने घोंसला अपना बिल्कुल रेडी कर लिया, सारा ऊपर से भर लिया, और रात में ये यहीं पे ही सोते हैं। और ये दोनों देखो डरते डरते नहीं है, एक ये बैठी हुई है और एक ये बैठा हुआ है। देखो एक ये बैठी और एक ये बैठा हुआ है, दोनों यहाँ पे डरते नहीं है, यहीं पे रहते, बच्चों के साथ खेलते, बच्चे भी इधर खेलते फिर भी नहीं डरते ये लोग। और ये सर पे चढ़ गई, इनको हम कुछ कहते नहीं ना, तो आज इन्होंने गंद करना भी शुरू कर दिया, अभी वो भी तो आती है। चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे इनका बाजरा वाजरा रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है इनका, बाजरा और पानी तो रेगुलर इनका दे टाइम से जो है ना, हम टाइम नहीं वो लगाते, जल्दी से कर देते हैं। हाँ, और कल का बड़ा व्लॉग जबरदस्त होने वाला है। कल होने वाला है मैविश का बेबी शावर। बेबी को शावर देना, बेबी को शावर नहीं देना, बेबी शूट है, मतलब प्रेगनेंसी शूट। हां प्रेगनेंसी शूट है कल, प्रेगनेंसी शूट, वही ना, बेबी को शावर देना। हाँ, तो कल बहुत मजा आएगा। कल सुबह सुबह में तकरीबन 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे मेकअप आर्टिस्ट वाली आएगी। चलें जी, यहाँ पे दुआ भी आने वाली है, फिर दुआ से भी मिलवाते हैं। हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी देर आएगी, दुआ भी आने वाली है, उसके आने से पहले कुछ सामान लेना। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे जो है ना ऊपर सब्जी रख दी है, और यहाँ पे हो गए हैं पकौड़ों का, ये है प्याज और पालक के पकौड़े, प्याज और पालक, ये है आलू की टिक्की, आलू वाले चिप्स, आलू की टिक्कियां बनेंगी ना इससे, जैसे चिप्स वाले नहीं होते वो बनेंगे। हाँ, तो जल्दी से सालन रेडी हो जाए, तो मैं ये सामान रेडी करूँ, जब तक मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ। सही है। हाँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा वैसे तो, टाइम है अभी तो, अभी तो काफी टाइम है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जल्दी हो जाए ना, फिर टेंशन होती है। हाँ, मैं भी आज रोजे की जो है ना तैयारी कर रही है। हाँ, मैंने कहा चलो मैंने नहीं रखा, मेरे हस्बैंड ने तो रखा है ना, भूख तो आपको पता लग ही जाती है रोजे में फिर भी। हाँ, मैंने कहा भूख तो फिर भी आपको पता लग ही जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी से बना लूँ, ताकि 6 बजे से पहले हर एक चीज़ रेडी हो। तो अभी पालक भी बस जल्दी बन जाएगी, और साथ में रोटी भी बन जाएगी। हाँ, रोटी भी बना लूँगी, आटा मैंने गूंदा हुआ है, पराठा खाऊँ? नहीं, पराठा इस टाइम तो नहीं खाते। और पराठा बोल रही है इस टाइम पराठा खाना, तो क्या होगा, कोई टाइम टेबल थोड़ी होता है, जब दिन करता है इंसान। देखेंगे अभी देखेंगे। तो चले जी, यहाँ पे काम हो रहा है, और 10 मिनट हो रह गए, दुआ भी आने वाली है। हाँ, दुआ आने वाली है, और फिर दुआ से भी दुआ। चले जी, यहाँ बज गए हैं 5:05, ऊपर टाइम हो रहा है, 5:15 हो गए, दुआ आ गई है, दुआ दुआ आ गई, और दुआ ने ये काम किया है, वेरी गुड। ABC दुआ, दुआ।
कहती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और सी फॉर कैट। वेरी गुड। तो यहाँ पे जी हमारा सालन हो गया है रेडी, ऑयल आ गया ऊपर, तो सालन बिल्कुल हो गया है रेडी। तो बस अभी मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े, और सामान गया कुछ सामान लेने के लिए बाहर। दुआ पकोड़े खाओगी? पकोड़े पकोड़े खाना है, पकोड़े खाना नहीं, पकोड़ा पकोड़े खाओगी? कह रहे पकोड़े खाना है, पठानों की जैसे बोलती है ये। और अनस मजे ससुरा उल्टा सीधा हो के, कभी वहां कोने पे भी गिनने वाला था, मैं अभी अंदर गई हूँ तो फिर जाके मैंने उसको उठा के सीधा किया है। हाँ बैग में रखो, बैग कहाँ है आपका? बैग में रखो जल्दी से, जल्दी जल्दी बैग में रखो इसको, मैंने फ्रेश किया था, नहाई थी ये, तो अभी इसकी पोनी वगैरह करती हूँ मैं। चलें जी, कुछ सामान मैं लेके आ गया हूँ, फ्रूट वगैरह, केले वगैरह, तरबूज, और इसमें भी समोसे वगैरह भी सब लेके आ गया, और सेब भी मैंने इसमें काट दी। और अभी इसकी बनेगी क्या, फ्रूट चाट, फ्रूट चाट चाट, इसमें और क्या डालेगा? क्या हम तो खैर इतना कुछ नहीं डाल रहे, मैं तो वैसे वो डालूंगी सेब और केले और खरबूजा, उठ गया लगता है। हाँ भी उठ गया। चलो जी, साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, और फिर जो है ना वो बस अभी करते मैंने हैं। ऑयल भी रखा है, मैं पकौड़े बनाऊँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि और टाइम टाइम हो गया भी है। नज़दीक आ रहा है, और यहाँ पे ऑयल रख दिया, और अभी बनने लगे हैं यहाँ पे पकोड़े। दो किस्म के ये टिक्कियाँ इसकी हैं, आलू की और ये पकोड़े बने आलू वाले जितने हैं। बच्चे हाँ, शौक से खाते हैं, मैंने कहा चलो इनके लिए भी बना लूंगी, थोड़ा वो भी हो जाएगा। है और यहाँ जी ये निकल रही है अभी आलू की, आलू वाले अभी चिप्स वो कबाब बना के रखना। शामी, हाँ शामी कबाब हाँ बना मुझे के। बड़े पसंद है, हमारे घर आई थी एक आंटी मेरे लिए स्पेशल बना के, बड़े टेस्टी बनाए थे उन्होंने, बहुत मजे के बनाए थे। तो रेसिपी देखूंगी ना, एक बार बना लूंगी, वैसे तो इजी है, बना ही लूंगी वैसे उसको बना के रखो फ्रिज के अंदर, ज्यादा सारे डी के अंदर। तो अभी गर्मी आ रही है, वैसे आपको पता फ्रिज चलती रहेगी, तो मैं अभी ऐसी चीजें ना बना के रखा करूंगी, ताकि अगर जब रोजे भी है ना फिर तो फिर हाँ बार बार थोड़ी सी वो बंदा घर से भी कुछ सामान कर ले। सही बात है, बिल्कुल बस करो ना, दोबारा डाल देना। ये देखो साइड पे लग गया। नहीं होगा कुछ भी। चले जी, इसके बाद निकलेंगे दूसरे वाले पकोड़े, दूसरे पकोड़े। चले जी, यहाँ पे अभी निकल रहे हैं पकोड़े। पकोड़े पकोड़े तो जी जिसे ये खाने देखिए, हैं यहाँ वो आ पकोड़े जाओ, निकले, और यहाँ आलू की जो है ना टिक्कियाँ निकली हैं, और मैविश ने काफी आज मेहनत की है, और मेरे काफी पाँव में सारे। बड़ी तेज वाली दर्द हो रही है, बता नहीं सकती, बस ये खाना बनाने की देर है, खाना तो बन नहीं गया, बस रोटी बनानी है, फिर उसके बाद मैं आपको बेड पे नजर आऊंगी। पापा ये क्या मकोड़े? क्या मकोड़े? ले ले लो मकोड़े। पकोड़े को क्या बोलती है? मकोड़े मकोड़े, ये रहा ये मकोड़ा ले लो। जब ट्यूशन से आई थी, जब भी मुझे पूछ रही थी, कहती मामा मकोड़े बनाने लगी, मैंने कहा हाँ। मकोड़े, और यहाँ पे बन रहे जी पकोड़े, और जैसे ही रेडी होंगे फिर सारी तैयारी, और टाइम भी नजदीक आता जा रहा है। हाँ आधा घंटा रह गया बस, है ना? नहीं अभी तो है टाइम, तो वही ना, फिर करेंगे रोजा अफ्तार, हम रोजा खोलेंगे मिलके। और आज और जितना कुछ मुझसे बना मैंने जल्दी में बना दिया, सही आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, तो अगर मैं ठीक होती तो फिर तो मैं बहुत कुछ बनाती। हाँ बहुत कुछ बना दी, सही बात है, हाँ फिर भी काफी बना दिया, कुछ ले भी आए हैं तो फिर। हाँ सालन तो मैंने घर पे बना दिया, आलू पालक तो आपको पता है मैंने बनानी बनानी थी, मैंने कहा चलो ये भी आपको पता है, ये तो फ्रेश मिंट है, ये तो हल्का फुल्का बंदा खा सकता है ना, फिर चले जी रेडी होते हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं अपने दस्तरखान पे जी। चले जी, यहाँ पे सारा सामान हो गया है रेडी, और कुछ रह गया है और बस है, बस अभी तैयारी कर रही थी मैं साथ और साथ। ये और महवेश ने खुद निकाले हैं हाँ पकौड़े, ये और ये पकौड़े आलू वगैरह की मैंने खुद टिक्कियाँ ही वगैरह निकाले खुद हैं, निकाली हैं, बाकी और ये बच लेके आए हैं, कुछ बच्चों ने खाया भी है, समोसे पकौड़े जलेबी, और ये मिक्स फ्रूट है, और ये सैलेड वगैरह, रोटी भी अभी आएगी, और यहाँ पे है ये जी जूस, जूस ठंडा हो गया है नॉर्मल, मैंने ऊपर रखा था, ऊपर रखते ना नीचे था, ऊपर वाली बोतल नीचे वाली है, यही है यही है, तो फिर यही है बोतल। चले जी, महवेश तो थक गई है, और महवेश अभी करेगी रेस्ट, और मैं करता हूँ रोजा खोलता हूँ। हाँ हाँ खोल लो, खा लो, टाइम हो क्योंकि गया टाइम वैसे भी भी। काफी हो गया, और अभी मैं रोजा खोलता हूँ, फिर आप लोगों को रोजा खोल के इफ्तार करके फिर आप लोगों से मजीद आगे मिलते बात हैं, करते हैं, ठीक है? चले जी, यहाँ पे हम लोगों ने रोजा खोल लिया, फिर भी ये पकौड़े बच गए, ठीक है, और बाकी माशाल्लाह से सारा फिनिश कर दिया, और टाइम देखे यहाँ पे हो गए हैं 7:15, ठीक है, रोजा खुल चुका है, और महवेश बेचारी आज काम करके थक गई है, थक गए? हाँ थक गई हूँ मैं, पसीने भी आ रहे हैं देखो, काफी देर से खड़ी थी, अभी मेरे पाँव में बड़ी। हाँ हाँ
क्या बोल रहे? माशा वाले माशा वाले। इधर कान कान में बोलो, उसको बोलो कान में बोलो। कान बोलो क्या? कान में है? कहते इसको बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो क्या? क्या था माशा वाले कार्टून बताओ। कैसे? कान कान के पास करना। क्या माशा वाले कहता लगाओ? बोले माशा वाले कार्टून लगाओ। अच्छा चले जी, यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। तो और आज का व्लॉग आपने लाजमी देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि कल है मेरा बेबी शावर। तो बस दुआ करना अच्छे अच्छे से हो जाए, और थोड़ा सा वो मैं एक्साइटेड हूँ, आपको पता कोई शूट वगैरह हो थोड़ा बहुत तो वो होता ही ना। अब मेरे हाथों में आपको आटा नजर आ रहा है, तो रोटी बना। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बहुत सारा प्यार देना। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग जो है ना उसका पता करने नहीं जा रहे, सोनिया का आप लोग कैसे फ्रेंड हो, मैं विश को बोला था। अच्छा जी, तो बात ये है कि आपको पता है उनका घर बहुत ही ज्यादा दूर है, तो मैं जा नहीं सकती, मेरी ये मजबूरी। गाड़ी का अरेंज कर रहे हैं, अगर गाड़ी मिल गई तो हम जरूर चलेंगे गाड़ी में। हाँ तो गाड़ी में जा सकते, वैसे बाइक पे तो मैं इतना ज्यादा जा नहीं सकती। दिल तो मेरा भी है, कल जैसे मैंने एकदम से उसकी तबीयत देखी तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने फोन भी किया तो उस टाइम हमारी बात नहीं हुई, 12 बजे तक बात हुई थी ना, और वो भी गोपाल से हुई थी, सोनिया से तो हुई नहीं अभी तक, मेरी सोनिया से बात नहीं हुई। तो लेकिन ये कि थोड़ी बेहतर है पहले से, मतलब जैसे कल तो एकदम से वो बेहोश हो गई, पता नहीं मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन ये कि कोशिश जरूर करेंगे कल शूट के बाद अगर गाड़ी का अरेंज हुआ तो मैं जरूर पता करने जाऊंगी उसका। तो यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।